करुणा, संवेदना, इन दो गुणों से आपको काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल जो सपोर्ट होता है वो आ सकता है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं आपके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के पास, जिनको बस इसलिए नहीं अपनाया गया होता कई बार क्योंकि किसी ने उनको सुना नहीं। तो गुड लिसनिंग स्किल्स, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन चंद ठाकुर और मैं 2009 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। वर्तमान में मैं प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो आज मैं आपको अपने जीवन का एक दिन कैसे व्यतीत होता है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं हमेशा खेल और व्यायाम का बहुत पैशनेट रहा हूँ और इसलिए मेरा दिन सुबह 5:30-6 बजे आरंभ होता है। मैंने हमेशा कोई ना कोई हमेशा स्पोर्ट खेलने की कोशिश की है और वो समय समय के साथ चेंज भी होता रहा है। बैडमिंटन का मैं बहुत इंटरेस्टेड था खेलने में, आजकल भी मैं स्क्वाश एटलीस्ट हफ्ते में 4-5 बार खेल लेता हूँ और इससे मेरी पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। क्योंकि जैसे दे बोलते हैं कि एक बार आपने सुबह किसी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटी कर ली तो आपके अंदर, आपके बॉडी, शरीर के अंदर एक सक्रियता आ जाती है और एक खुशी की लहर जिसको हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं वो भी रिलीज़ होते हैं। तो उससे भी मुझे बहुत मेरा दिन उस तरह से स्टार्ट होता है। एक अधिकारी के लाइफ में एक बैलेंस बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली और जॉब के बीच में। तो अपने बेटे को स्कूल बस स्टैंड तक छोड़ना एक तरह से मैंने अपने ऊपर एक डेली ड्यूटी है मेरी, वो जिसको मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो अपने बेटे को बस स्टैंड छोड़ना इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, वो लगभग सुबह 8 बजे की बात है। उसके बाद हम ऑफ़िस की तैयारी में लग जाते हैं और मेरी हमेशा एक कोशिश होती है कि मैं ऑफ़िस कम जो टाइम होता है 10 बजे का जो औपचारिक समय है उस टाइम पर पहुँचूँ या उससे थोड़ा पहले पहुँचूँ। जैसे ही हमारा ऑफिशियल डे स्टार्ट होता है तो काम की जो गति और रफ्तार होती है वो बढ़ती ही रहती है। तो एक आइडियल डे में मैं कोशिश ये करता हूँ कि सुबह ही 8 और 10 के बीच में मैं अपने जो मेरे ऑफिस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर टू डू एक्टिविटीज़ हैं एक बार रिव्यू करके अपने टीम मेम्बर्स को भेज देता हूँ। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे हमको विस्तृत चर्चा भी करनी होती है, तो उन पर फिर हम 10 बजे मिलके 1-1.5 घंटे में उस पर डिस्कशन और अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। उसके बाद मेरी ये कोशिश होती है कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हों या आम जनता हो, उनसे मिलने के लिए हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जो चाहे आ सकते हैं हमसे मिल सकते हैं, हमारी ओपन डोर पॉलिसी रहती है और वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमारे को बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा जो प्रशासन है कैसे परफॉर्म कर रहा है। मीटिंग्स भी होती हैं दिन के दौरान, कुछ मीटिंग्स ऑफिस के अंदर की मीटिंग्स होती हैं जो हम शॉर्ट नोटिस पे भी बुला सकते हैं, पर कोई भी हमारा हमेशा एक चीज़ होती है कि एटलीस्ट मेरा एक प्रयास होता है कि जो भी मीटिंग हो उसका कुछ निष्कर्ष निकले, उससे कुछ डिसीजन पॉइंट्स निकलें। ऐसे नहीं आपने मीटिंग की और उसका कोई निर्णय नहीं हुआ और फिर बिकॉज A meeting which doesn't lead to any result will call for another meeting. मेरे हिसाब से हर मीटिंग में आप बड़े बड़े डिसीजन ना लें पर एटलीस्ट कुछ छोटे छोटे डिसीजन होने चाहिए, कोशिश होनी चाहिए एटलीस्ट। और अगर नई डिसीजन लेना है तो वो भी एक तरह का एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के ज़माने में आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती, हमारे को कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। इस आजकल पब्लिक प्राइवेट लाइजनिंग का भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है एंड इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उस एस्पेक्ट को भी अच्छी तरह से अपने दिन में कहीं ना कहीं उसके लिए भी समय दें। शाम को कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमें कम से कम 1-1.5 घंटा तो हमारी रूटीन फाइल वर्क होता है, पर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको ऑफिस आज में ना करूँ, वो मैं शाम को करता हूँ या घर में जाके करता हूँ या फिर जब शाम को जब लोगों का दिन में जब लोगों का आना थोड़ा कम हो जाता है ऑफिस में उस समय पे करता हूँ। एक चीज़ ज़रूर है कि शाम को जब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 7, 6:30 और 7 के बीच में घर जाऊँ, बट
ये भी कोशिश होती है कि मैं दूसरे विभागों के लोगों के साथ भी बीच बीच में फॉर्मल या इनफॉर्मल इंटरेक्शन करता रहूं, क्योंकि किसी भी जॉब में नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर सोचें कि मैं सिर्फ अपना काम करूंगा और किसी से मिलूंगा नहीं, तो वो एक तरह से थोड़ा लिमिटिंग हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि वो किसी तरह से नकारात्मक नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लिमिटिंग हो सकता है। साथ साथ में फिर मैं कोई 6:30-7 बजे जब घर वापस जाता हूँ, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारने का ये मेरा एक तरह की ड्यूटी है, क्योंकि संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए आपको फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब सबका एक तरह का बैलेंस बनाना होता है। मेरी पिछले कुछ समय से कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो आपका वर्कलोड थोड़ा शुरुआत में ज़्यादा होता है, तो कई बार डिनर के बाद फिर से मैं थोड़ी रीडिंग कर लेता हूँ जो वर्क रिलेटेड होती है, और कई बार मैं अपने हॉबीज़ भी परस्यू करता हूँ। मुझे रीडिंग, फिक्शनल या नॉन फिक्शनल, दोनों तरह की बुक्स मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और डिसिप्लिन, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 10-10:30 बजे तक मैं मेरा दिन का अंत हो जाए, क्योंकि फिर से सुबह दिन जल्दी स्टार्ट होना होता है। मैंने ये पाया है कि अगर आदमी अपनी बॉडी को बॉडी और फिटनेस मेंटेन ना हो, तो वर्क पे भी, ऑफिस में भी उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है, और कोशिश यही रहती है कि वीक डेज वगैरह में मैं ज़्यादा लेट नाइट नहीं करता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे फिर अगले दिन की पूरी आपकी गति थोड़ी कम हो जाती है। मेरी ये भी प्रयास रहता है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मैं टूरिंग करूँ, और ये मेरी हर जॉब में मैंने यही किया है। जब मैं फील्ड में, जब हम उपायुक्त थे या जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, तब भी मेरा यही एक तरह से मेरा पूरा प्रयास रहता था कि हफ्ते में 1 या 2 दिन टूर करें। और अब भी जब मैं प्रबंध निदेशक हूँ, तो मेरा कम से कम यही प्रयास रहता है कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 डे मैं कोई फील्ड में जाऊं, क्योंकि फील्ड का फीडबैक और जो ऑफिस में होता है उसमें कई बार बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो प्रयास यही होता है प्रणाली में कि आप कुछ करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, फील्ड से फीडबैक लें, फिर उसको उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होने के हमेशा स्कोप होता है, फिर उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करें। इस तरह से टू एंड फ्रो होता है बिटवीन फील्ड एंड ऑफिस, और उस वही एक निरंतर प्रक्रिया हो जाती है एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की। और एक चीज़ और, आप सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं रह सकते, आपको अधिकारी, आम जनता, प्रेस, आजकल सोशल मीडिया का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ में आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ भी आपको डेफिनेटली, वो भी आपके, उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनसे भी फीडबैक आता है। तो इस तरह से आपको मल्टी फैसेटेड नेटवर्किंग करनी पड़ती है, चाहे आपको नेटवर्किंग हम कहते नहीं हैं, परंतु उसको यह कहा जा सकता है। एक चुनौती जो हमें अपने कार्य जीवन में आती है कि एक IAS अधिकारी जो होता है, वो एक तरह से उसको जर्नलिस्ट का टैग दिया जाता है, और फिर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमें काम करना पड़ता है। परंतु मैंने ये भी पाया है कि इसलिए जब पहले 3 या 4 महीने आपके किसी भी नए रोल में होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप डायरेक्टली रिसीव करते हैं, साथ साथ में आपको रिकॉर्ड्स भी चेक करने पड़ते हैं, आपको इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी उस पर चेक करना पड़ता है कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो आज के टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, उसके बारे में भी आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। डोमेन एक्सपर्टीज़ को एक मिनिमम लेवल तो आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ और डोमेन नॉलेज का बनाना ही पड़ेगा। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं की तो मैं बस के इंजन के बारे में मेरी कोई रुचि नहीं है। आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बेयर मिनिमम नॉलेज आपको अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और आप पाएंगे, जैसे आपको अनुभव आता है कि एक्चुअली देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, मोस्ट ऑफ द नॉलेज, 99% ऑफ द वर्किंग इज़ बेसिकली कॉमन सेंस, और थोड़ा सा भी आप अपना माइंड अगर अप्लाई करें तो आपके अच्छी तरह से लिंकेजेस बन जाएंगे। बट ये कहना भी मुझे को बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्किल्स इन लीडरशिप पोजिशंस आर ट्रांसफरेबल, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, सिंपल
अ सेंस ऑफ एम्पथी, एम्पथी कंपैशन, करुणा संवेदना, इन दो गुणों से और बेसिक से आपको काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल जो सपोर्ट होता है वो आ सकता है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं आपके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के पास, जिनको बस इसलिए नहीं अपनाया गया होता कई बार क्योंकि किसी ने उनको सुना नहीं। तो गुड लिसनिंग स्किल्स, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और धीरे धीरे जब आप डोमेन को समझने लगते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू देन वॉक द टॉक, आपको भी फिर कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट भी करनी पड़ती हैं, कुछ हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि दिस इज़ द डे ऑफ एन यू नो हाउ एन आईएएस ऑफिसर कैन पॉसिबली स्पेंड हिज डे, सब लोग एक तरह के नहीं होते। हैविंग सेड दैट, आई कैन से कि आई वुड होप कि इससे थोड़ा आपको नॉलेज मिली हो कि कैसे एक ऑफिसर का दिन स्पेंड हो सकता है, और मैं होप करूंगा तो इससे आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ अगर कुछ बेसिक चीज़ें भी इम्बाइब कर सकें। तो मैं यही कह सकता हूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। नंबर टू इज़ संतुलन, बैलेंस। नंबर थ्री इज़ कंपैशन। यू नो कंपैशन का मतलब होता है कि आप मात्र अपनी पोजीशन से अपने आप को इम्पोज ना करें, आपको डेफिनेटली थोड़ा लोगों को अपने एक्ट से भी लोगों का ट्रस्ट जीत के फिर एक आपको उनको इकट्ठे ले जा सकते हैं। थैंक यू।